साल है 2038। इंसान ने टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हमारी इस प्रोग्रेस पर एक साया मंडरा रहा है। एक कॉस्मिक शैडो एस्टेरॉयड 2007 VK184 के रूप में अंतरिक्ष में हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा यह पत्थर एस्ट्रोनोमर्स ने पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड बताया है। कैलकुलेशंस के हिसाब से ये 2038 में अर्थ बॉन्ड से टकरा सकता है। चांस बहुत कम है, लेकिन डर तो लगता है। मूवीज में तो दिखाते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, सुनामी सिटीज को निगल जाएंगे और सिविलाइजेशन का नामोनिशान मिट जाएगा, लेकिन क्या यही सच है? क्या हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने लग जाना चाहिए? इसका जवाब साइंस की हर चीज की तरह उतना सिंपल और ड्रामेटिक नहीं है जितना हॉलीवुड हमें दिखाता है। लेकिन साइंस और ऐसे इवेंट की संभावना को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं? हम उन्हें कैसे ट्रैक करते हैं और हमारे प्लैनेट के लिए असली रिस्क क्या है? आइए इन सेलेस्टियल वांडरर्स के रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं और प्लैनेटरी डिफेंस की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के बचे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। ये रॉकी एयरलेस रेमनेंट्स हैं जो उस समय से हैं जब प्लैनेट्स बन रहे थे। इन्हें कॉस्मिक रबल समझो, जिनका साइज कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर्स तक हो सकता है। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच एक वास्ट डोनट शेप्ड रीजन है। हालांकि कुछ अर्थ के पास भी आ जाते हैं, जिन्हें नियर अर्थ डॉट ऑब्जेक्ट्स या एनईओस कहा जाता है। अब एस्टेरॉइड्स ही अकेले स्पेस रॉक्स नहीं है, कॉमेट्स जिन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल्स कहा जाता है आइसी बॉडीज होते हैं जो सन के पास आने पर गैस और डस्ट छोड़ते हैं। हमारे पास मीटियोरॉइड्स भी हैं जो एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स के छोटे पीसेस होते हैं, और अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं तो हमें रोशनी की अमेजिंग स्ट्रीक्स दिखाई देती हैं, जिन्हें हम मीटियोर्स या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। ये एनियोज हैं, खासकर एस्टेरॉइड्स, जो एस्ट्रोनोमर्स को रातों को जगाए रखते हैं। ये स्पेस रॉक्स अपने अनप्रिडिक्टेबल ऑर्बिट्स के साथ अर्थ के रास्ते में आ सकते हैं, हालांकि ज्यादातर हार्मलेस होते हैं और एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। लेकिन बड़े एस्टेरॉइड्स एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए नासा और ISRO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं जो इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक और स्टडी करते हैं। अंतरिक्ष के विशालता में नॉलेज ही हमारी पहली सुरक्षा है। एस्टेरॉइड्स से होने वाले संभावित खतरे को पहचानते हुए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने प्लैनेटरी डिफेंडर्स की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नासा अपने प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के साथ पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड्स का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उनका विश्लेषण करने का काम करता है। यह प्रक्रिया शक्तिशाली दूरबीनों से शुरू होती है जो रात के आकाश को स्कैन करती है किसी भी गतिशील वस्तु की तलाश में जो एनईओ हो सकती है। एक बार पता चल जाने के बाद इन वस्तुओं की सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है, उनके ऑर्बिट की गणना अधिक प्रिसीजन के साथ की जाती है। यदि कोई एस्टेरॉयड अपने आकार और पृथ्वी की कक्षा से निकटता के आधार पर संभावित रूप से खतरनाक समझा जाता है तो यह अधिक विस्तृत विश्लेषण और प्रतिक्रिया योजना शुरू करता है। नासा इस प्रयास में अकेला नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या ISRO भी एनईओस को ट्रैक करने और प्लैनेटरी डिफेंस के वैश्विक प्रयास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके टेलीस्कोप और रिसर्च सुविधाएं मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं, जिससे हमें अपने ग्रह के आसपास के कॉस्मिक लैंडस्केप की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। सेक्शन 4, Scars of the Cosmos. When asteroids left their mark on Earth, पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स के साथ पिछली मुठभेड़ों के निशान हैं। क्रेटर कुछ दिखाई देते हैं, कुछ तलछट की परतों के नीचे छिपे हुए हैं, प्राचीन प्रभावों के किस्से सुनाते हैं।
सबसे प्रसिद्ध में से एक मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में चिक्सुलुप क्रेटर है। यह मैसिव प्रभाव जो लगभग 6.4 करोड़ साल पहले हुआ था, डायनासोर के विलुप्त होने से जुड़ा हुआ है, जबकि चिक्सुलुप प्रभाव निश्चित रूप से विनाशकारी था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं। छोटे प्रभाव, जबकि कम विनाशकारी, अधिक आम हैं। 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क के ऊपर एक मीटियर विस्फोट हुआ, जिससे एक छोटे परमाणु हथियार के बराबर ऊर्जा निकली। इस शॉक वेव ने खिड़कियों को तोड़ दिया और 1000 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, जो ब्रह्मांड में छिपे संभावित खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। ये घटनाएं पिछले प्रभावों का अध्ययन करने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। क्रेटर्स का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पिछली टकरावों की आवृत्ति और परिमाण का अनुमान लगा सकते हैं, जो भविष्य में हमें होने वाले जोखिमों की मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, हॉलीवुड वर्स रियलिटी, सेपरेटिंग एस्टेरॉयड फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन। एस्टेरॉयड्स ने लंबे समय से हॉलीवुड की कल्पना को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जिन्हें अक्सर डिजास्टर मूवीज में विनाश के अग्रदूत के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि ये फिल्में मनोरंजक हो सकती हैं, लेकिन ये अक्सर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं और एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स के पीछे के विज्ञान को गलत तरीके से पेश करती हैं। एक आम गलतफहमी यह है कि सभी एस्टेरॉयड्स विशाल ग्रह हत्या करने वाली वस्तुएं हैं। वास्तव में एस्टेरॉयड्स का बहुमत अपेक्षाकृत छोटा है, जो पृथ्वी के लिए कोई खतरा पेश नहीं करता है। एक और गलतफहमी यह है कि हम एक आने वाले एस्टेरॉयड को परमाणु हथियारों से आसानी से उड़ा सकते हैं, जैसा कि कुछ फिल्मों में दिखाया गया है। हालांकि यह एक व्यवहार्य समाधान लग सकता है, लेकिन यह छोटे अभी भी खतरनाक फ्रैगमेंट्स की बौछार पैदा कर सकता है, जिससे संभावित रूप से स्थिति और भी खराब हो सकती। सच्चाई यह है कि प्लैनेटरी डिफेंस एक जटिल और विकसित होता हुआ क्षेत्र है, जबकि एक संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट या डिसरप्ट करना सैद्धांतिक रूप से संभव है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, उन्नत प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। सेक्शन 6, नॉलेज इज पावर, स्टेइंग इनफॉर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड इन द कॉस्मिक अरीना। तो 2038 और एस्टेरॉयड 2007, VK184 का क्या होगा? जबकि प्रभाव की संभावना हालांकि छोटी मौजूद है, ऐसी भविष्यवाणियों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक और सटीक जानकारी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ देखना महत्वपूर्ण है। मीडिया अक्सर इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जिससे अनावश्यक भय और चिंता पैदा होती है। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिक लगातार 2007 VK184 की निगरानी कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम अधिक डेटा एकत्र करते हैं, इसकी कक्षा के बारे में हमारी समझ अधिक सटीक होती जाती है। हर गुजरते साल के साथ प्रभाव की संभावना को परिष्कृत किया जाता है, और संभावना है, जैसा कि हमने अन्य संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड्स के साथ देखा है, जोखिम कम होता जाएगा क्योंकि हम अधिक सीखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, ज्ञान ही शक्ति है। सूचित रहकर, जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करके और नासा और ISRO जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों के महत्वपूर्ण कार्य का समर्थन करके, हम खुद को आगे आने वाली ब्रह्मांडीय चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। याद रखें, हम इस फीके नीले बिंदु पर निष्क्रिय यात्री नहीं हैं। हम भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में सक्रिय भागीदार हैं, और ज्ञान और तैयारी के साथ हम आत्मविश्वास और लचीलापन के साथ आकाशीय समुद्रों को नेविगेट कर सकते हैं।